मध्य प्रदेश के खरगोन से बदमाशों द्वारा मूर्तियां खंडित करने का मामला सामने आया है। घटना के बाद से लोगों में रोष है। इसी के चलते ग्रामीणों ने बाजार बंद कर पुलिस से आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की है। दरअसल जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर पीपल झोपा में सोमवार की रात हनुमान मंदिर में अज्ञात बदमाशों ने हनुमान जी की मूर्ति के साथ नंदी भगवान को भी खंडित कर दिया, जिससे ग्रामवासियों में आक्रोश है। मंगलवार सुबह भगवानों की मूर्ति खंडित करने के मामले में ग्रामीणों ने पीपल झोपा बाजार बंद का विरोध जताया। इतना ही नहीं, गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस को अल्टीमेटम देते हुए सड़क पर बैठकर नारेबाजी की और कहा अगर दो दिन में आरोपियों को नहीं पकड़ा तो चक्का जाम करेंगे और थाने का घेराव करेंगे। फिलहाल मामले में पुलिस द्वारा डॉग स्क्वाड और FSL की टीम की मदद लेकर आरोपियों की तलाश की जा रही है। क्षेत्र में तनाव देखकर भारी पुलिस बल तैनात किया है। वहीं घटना के बारे में खरगोन SP का कहना है कि आरोपी की तलाश की जा रही है, जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाएगा। धरना किस लिए दिया गया यहाँ पे? देखिए, ये कल ग्राम पीपल झपा में 4 से 5 बजे के बीच में हमारे हनुमान मंदिर में हनुमान जी को खंडित कर दिया गया है, इसलिए हम सब ये ग्रामीणवासी यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। और हमारा ये कहना है कि अगर इस पर आगे तुरंत कार्रवाई नहीं होती है तो कल से यहाँ सड़क पर बीच सड़क पर चक्का जाम किया जाएगा। इसलिए प्रशासन को और सभी जिम्मेदार अधिकारियों को समझना होगा और यहाँ आना होगा, नहीं तो कल से यहाँ पर चक्का जाम होगा और हम किसी को आने जाने नहीं देंगे यहाँ पर। अभी आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि यहाँ पर सब पहले अभी बड़े से बड़े अधिकारी यहाँ हमारे यहाँ पर मौजूद हो, हमारे जनपद प्रतिनिधि मौजूद हो, जो भी बड़े बड़े नेता है यहाँ पर आकर हमारी समस्या का समाधान करें और जिसने मूर्ति को खंडित किया है उसको सजा दिलवाए। खरगोन से प्रवीण पाल की रिपोर्ट।